जब साधु संघ मिलता है वो तुम्हें दर्पण की तरह तुम्हारी कमियां दिखा देते हैं, इससे त्याग का सामर्थ्य आ जाता है, सतमार्ग में चलने की इच्छा हो जाती है और चलना शुरू हो जाता है। भगवान की कृपा से जब साधु संग मिले उसका लाभ तभी मिलता है जो हमारे अंदर गलतियां हमें समझ में आई है, हम नाम जप के बल से उनको त्यागे। अगर नाम जप नहीं है तो केवल समझ में भले आ जाए, त्याग नहीं सकते, और बिना त्याग के, असत आचरणों के त्याग के भगवदानंद नहीं मिलता। तो आपको लगेगा साधु संग या नाम जप का कोई फल नहीं, अगर गंदे आचरण होते रहे तो बात नहीं बनेगी। तो नाम जप के द्वारा हम अपने हृदय को इतना बलवान बनाएं कि हम जो गंदी बातें जाने उनका त्याग कर दें। इसलिए हर समय राधा राधा।